हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नागा साधु बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किन परीक्षाओं से गुजरना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी साधुओं में नागा साधुओं को सबसे ज्यादा हैरत से देखा जाता है। यदि आप सोचते हैं कि नागा साधु बनना बड़ा आसान है तो आपकी सोच गलत है। नागा साधुओं की ट्रेनिंग सेना के कमांडो की ट्रेनिंग से भी ज्यादा कठिन होती है। उन्हें दीक्षा लेने से पूर्व खुद का पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। पुराने समय में अखाड़ों में नागा साधुओं को मठों की रक्षा के लिए एक योद्धा की तरह तैयार किया जाता था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मठों और मंदिरों की रक्षा के लिए इतिहास में नागा साधुओं ने कई लड़ाइयां भी लड़ी हैं। नागा साधु बनने के लिए इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि शायद कोई आम आदमी इसे पार ही ना कर पाए। नागा साधुओं को सेना की तरह तैयार किया जाता है। उनको आम दुनिया से अलग और विशेष बनना होता है। इस प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी प्रक्रियाओं से एक नागा साधु को गुजरना होता है। पहली प्रक्रिया, तहकीकात। जब भी कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी कभी सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता है। अखाड़ा अपने स्तर पर यह तहकीकात करता है कि वह साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की तथा उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है। अगर अखाड़े को यह लगता है कि वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग जाते हैं। अगर अखाड़ा और उस व्यक्ति का गुरु यह निश्चित कर ले कि वह दीक्षा देने लायक हो चुका है, फिर उसे अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है। दूसरी प्रक्रिया, महापुरुष। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा से सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती हैं। ये नागा साधुओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। तीसरी प्रक्रिया, अवधूत। महापुरुष के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले उसे अपने बाल कटवाने होते हैं। इसके लिए अखाड़ा परिषद की रसीद भी कटती है। अवधूत रूप में दीक्षा लेने वाले को खुद का तर्पण और पिंडदान करना होता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। ये संसार और परिवार के लिए मृत हो जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा करना। चौथी प्रक्रिया, लिंग भंग। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। इस दौरान उनके कंधे पर एक दंड और हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है। इस दौरान अखाड़े के पहरेदार उन पर नजर रखे होते हैं। इसके बाद अखाड़े के साधु के द्वारा उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ झटके देकर निष्क्रिय किए जाते हैं। ये सब कार्य भी अखाड़े के ध्वज के नीचे किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वह नागा साधु बन जाता है। तो मैंने आपको नागा साधु बनने की प्रक्रिया बताई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।